इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अफ्रीका में पकड़ा गया एनआईए का मोस्ट वांटेड मोहम्मद गौस नियाजी, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पीएफआई का बड़ा चेहरा था मोहम्मद गौस नियाजी। बेंगलुरु में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोपी है। आपको बता दें कि आरएसएस नेता रुद्रेश की 2016 में बेरहमी से हत्या की गई थी और उसी के बाद से ही इसे तलाशा जा रहा था। हत्या के बाद ये फरार हो गया था और अलग अलग देशों में लगातार ये ठिकाना बना रहा था, बदल रहा था। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गुजरात एटीएस ने ट्रैक किया और इसकी जानकारी सेंट्रल एजेंसी को दी गई। और इस पूरी खबर पर सीधे रुख करते हैं मनोज का। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ी कामयाबी है कि विदेशी धरती से पकड़ा गया इसे। जी बिल्कुल, देखिए सेंट्रल एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। कई सालों से ये फरार चल रहा था मोहम्मद गौस नियाजी और इसके ऊपर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। गुजरात एटीएस लगातार इस पर काम कर रही थी और जब गुजरात एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को साउथ अफ्रीका में होने की मिली और फिर सेंट्रल एजेंसीज को इसके बारे में बताया गया। तब एनआईए की जो टीम थी वहां से इसको डिपोर्ट करके अब भी भारत लेकर आई है। इसको मुंबई में रखा गया है। इससे लगातार पूछताछ जारी है और ये पता किया जा रहा है कि 2016 में जो आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या हुई थी उसमें इसका कितना रोल था और इसके साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो फिलहाल इससे लगातार पूछताछ एनआईए की जारी है। धन्यवाद आपका मनोज जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।